नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे, हम हैं बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आज की वीडियो में मैं, जो कि दोस्तों मैं आपके लिए विद प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेट 23 जून 2020 के लिए ये अपडेट है, और 24 जून यानी कि आज से अगले एक महीने 24 जून से 24 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल में, और आपके लिए ये भी बताऊँगा कि इस भर्ती में आपको अप्लाई कैसे करना है। आपके लिए ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, और जो भी डिटेल होगी फुल जानकारी देने की आपको यहां पर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए दिखा देता हूं ये नोटिस। तो यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये एप्लीकेशन खुलकर सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं उस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ गया एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारे पास में ये जो PDF फाइल है यहाँ का, ये खुल के आ जाएगी। इसमें डिटेल में दिया हुआ है दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही परीक्षा, ठीक है, सिपाही भर्ती। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 की रिक्तियों की तिथि, रिक्तियों की संख्या 454 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज होंगी वो होंगी आपकी 454, मतलब 454 वैकेंसीज पर आपके लिए बिहार पुलिस में आवेदन मांगे गए हैं। उसके बाद में आप यहां देख सकते हैं इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2020 यहां जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 24 जून से प्रारंभ होगी। तो आज है 24 जून और आज से आपकी जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपके लिए वो लिंक भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और ये ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यहां पर आप सबसे ऊपर देखेंगे बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नेम ऑफ पोस्ट है बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों बिहार पुलिस में लेडी कांस्टेबल का यहां पर रिक्रूटमेंट है, 454 पदों पर भर्ती होनी है। पोस्ट डेट है ये 23 जून 2020 6:09 PM, मतलब कल शाम को 6 बजे ये पोस्ट अपलोड की गई है यहां पे, और पोस्ट अपडेट की गई है दोस्तों 6:35 पे 23 जून के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ इस भर्ती से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन बिगन 24 जून 2020, मतलब आज से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है आपकी 24 जुलाई 2020, मतलब आज से एक महीने तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं 24 जुलाई 2020 तक। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम भी 24 जुलाई 2020 ही है। एग्जाम डेट जो है दोस्तों सून, मतलब एग्जाम डेट जो होगी आपकी वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको जल्दी ही बताया जाएगा, ठीक है, नोटिफाइड सून। उसके बाद में आपकी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी डिटेल, टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों 454 पोस्ट हैं, और इन पे आपके लिए आपका पोस्ट नेम होगा कांस्टेबल लेडी इन बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन। ठीक है, टोटल पोस्ट होंगे आपकी 454, और एलिजिबिलिटी जो है आपके वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके लिए दोस्तों 12th पास होना जरूरी है, ठीक है, और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी 2020 के लिए। अगर 1 जनवरी 2020 को आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, फिजिकल एलिजिबिलिटी में जो आपकी हाइट होगी इस भर्ती के लिए वो कुछ भी नहीं है, एनए है, मतलब नॉट एप्लीकेबल। आपकी कितनी भी हाइट सही, हाइट इसमें कोई भी मायने नहीं रखती है। चेस्ट
कोई भी मायने नहीं रखता है। एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब हाइट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके हाइट के लिए मापा भी नहीं जाएगा और आप ऐसे ही भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों रनिंग की बात करते हैं, तो आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 5 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में बहुत ही आसानी से पूरी हो जाती है दोस्तों। हाई जंप होगी आपकी 3 फीट, जिसमें आपके लिए 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। तो हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे जो कि 3 फीट की होगी। उसके बाद में आपका होगा गोला फेंक, जो कि गोले का वजन होगा वो होगा 12 पाउंड का और आपके लिए 12 फीट तक फेंकना होगा, ठीक है। मतलब 12 पाउंड का वजन का गोला आपको 12 फीट तक फेंकना होगा, ओके। उसके बाद में यहाँ देख लेते हैं हाउ टू फिल फॉर्म। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल CSBC कॉन्स्टेबल लेडी अंडर स्वाभिमान बटालियन रिक्रूटमेंट 2020 कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन 23 जून टू 24 जुलाई 2020, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए अभी मैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही दिखाया था, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है 23 जून 2020 को ये अपलोड हुआ है दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कॉन्स्टेबल फॉर बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन, ठीक है। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपके लिए पढ़ के बता चुका हूँ, ये है एडवर्टाइजमेंट, आप डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक जो है वो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये पूरा नोटिफिकेशन है जो बिहार पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 किलोमीटर की रेस के लिए भी पूरा बताया गया है। अगर आप महिलाओं के लिए दोस्तों है ये, अगर आप 1 किलोमीटर की रेस में जो आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा तो आपके लिए कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये 4 मिनट से कम में पूरी करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप 1 किलोमीटर की रेस पूरी कर सकते हैं तो आपको मिलेंगे 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक अप्लाई मतलब क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलेंगे 20 अंक, और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट से पहले आपको 1 किलोमीटर की रेस जो है वो पूरी करनी है। इसी तरह से ये गोला फेंक है, इसके बारे में दोस्तों मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है एक बार कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, पंजीकरण और भुगतान करने से एक महत्वपूर्ण नोटिस, ठीक है। एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो आपका हो, ठीक है। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक CSBC अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर संवाद करेगा। CSBC गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल इनपुट के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपकी जो नोटिफिकेशन दी गई है, आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी ही, शाम के लिए आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊँगा कि आप इसमें फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे और आपके लिए फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको सेकेंड पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों फिनिश करते हैं आज की वीडियो, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।